इंडियन पोस्टल लिमिटेड के एरिया मैनेजर मनोज रघुवंशी सुसाइड केस में आरोपी विदिशा कोतवाली के तत्कालीन थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर गौरव रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इससे पहले सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से उनकी जमानत खारिज हो चुकी है। 30 नवंबर 2023 को मनोज ने अपने अयोध्या नगर स्थित घर में सुसाइड किया था। इससे पहले उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं मरना नहीं चाहता, पत्नी और उसके मौसेरे भाई और मामा मौसी ने मजबूर किया है, इन्हीं के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। ये लोग मुझसे लाखों रुपए ले चुके हैं। पत्नी दबाव बनाती है कि बेटे को तुमसे तभी मिलने दूंगी जब अपनी माँ से संपत्ति में हिस्सा लेकर बच्चों के नाम कर दोगे। बेटा अक्षय से बेहद प्यार करता हूँ, भाई सारी संपत्ति तुम रख लेना, पत्नी को कुछ भी मत देना, कुछ भी नहीं। इस मामले में सुसाइड का एक वीडियो भी सामने आया था। लंबी जांच के बाद पुलिस ने मनोज रघुवंशी के साले तत्कालीन थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर गौरव रघुवंशी सहित 1 मार्च 2024 को 6 लोगों पर खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज किया था। 9 अप्रैल 2024 को भोपाल जोन 2 की अधीक्षक श्रद्धा तिवारी ने आरोपियों की सूचना देने पर 5000 रुपए का इनाम घोषित किया है। वहीं 19 अप्रैल को मनोज रघुवंशी की मां ने पुलिस कमिश्नर से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिकायत आवेदन दिया था। इसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। मनोज रघुवंशी की मां शकुन ने 19 अप्रैल को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में एक आवेदन दिया जिसमें बताया कि मेरा बेटा अभिनव होम्स में रहता है, वह आईपीएल कंपनी में एरिया मैनेजर था। उसकी शादी 11 साल पहले ज्योति रघुवंशी से हुई थी। दोनों का 10 साल का बेटा है जिसका नाम अक्षय है। मनोज का साला गौरव रघुवंशी विदिशा थाना कोतवाली में बतौर SI रूप में पदस्थ है। वह पूर्व में विदिशा जिले के एक थाना का प्रभारी भी रह चुका है और बहू ज्योति का मौसेरा भाई है। गौरव के पिता राम सिंह भी ASI पद से रिटायर्ड हैं। ये दोनों बेटे और बहू के आपसी विवाद में बेटे पर दबाव बनाते हैं, उसे हत्या के प्रयास के केस में फंसाने की धमकी देते हैं। 19 नवंबर 2023 को पति पत्नी के आपसी विवाद में उसके ससुर और साले ने मेरे बेटे पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराने का प्रयास किया था। उसे अयोध्या नगर थाने तक बुलाया गया। यहां TI को गौरव ने कई कॉल कर झूठा केस दर्ज कराने का प्रयास किया। पूर्व में बहू ज्योति कई बार अपने मायके में चली जाया करती थी, महीनों तक नहीं लौटती थी। दबाव बनाकर ही उसने बेटे को अलग रहने को मजबूर किया था। वह दबाव बनाकर उसकी संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती थी। ऐसा नहीं करने पर मायके लौट जाने की धमकी देती थी। आए दिन की धमकियों से तंग आकर बेटे ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी लंबी जांच के बाद FIR दर्ज की गई। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना हुई थी, जिसकी सूचना अयोध्या थाने के ही SI विनोद पंती ने गौरव को दे दी। तब से ही सारे आरोपी फरार हैं। उनके खिलाफ इनाम तो घोषित किया गया लेकिन संपत्ति कुर्की की कार्रवाई नहीं की गई। गौरव को विदिशा पुलिस ने नामजद आरोपी होने और इनामी होने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया। कृपया कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का कष्ट करें, जिससे मेरे मृत बेटे को न्याय मिल सके। सुसाइड से पहले मनोज ने एक 6 मिनट का वीडियो मोबाइल फोन में शूट किया था, जिसमें उसने पत्नी ज्योति और उसके 6 रिश्तेदारों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कही। पुलिस ने इस वीडियो को भी जब्त किया था। इसी के साथ हाथ से लिखा सुसाइड नोट भी पुलिस को मनोज के पास से मिला था, जिसमें उसने अपने मोबाइल का पासवर्ड भी लिखा था। मृतक के घर में लगे CCTV कैमरे में सुसाइड की घटना कैद हुई थी। इस वीडियो में मनोज घर से बाहर निकलता दिखता है, पीछे से पत्नी ज्योति और बेटे भी आते हैं। अचानक मनोज दहलीज पर अचेत हो जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अयोध्या नगर TI महेश लिल्लारे ने बताया कि आरोपियों की तलाश में थाने की 2 टीमें जुटी हुई हैं। सभी आरोपी अपने निवास में ताला लगाकर फरार हैं। आरोपियों पर इनाम घोषित है, उनकी संपत्ति कुर्की की कार्रवाई प्रक्रिया में है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।